हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो है सेलिब्रिटी वेट लॉस सीक्रेट के ऊपर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बॉलीवुड के और हॉलीवुड के सारे एक्टर एक्ट्रेस अपनी बॉडी को शेप आउट करते हैं और वेट को कंट्रोल करते हैं और बॉडी को जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको फटाफट कैसे खत्म करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये वीडियो में जो प्रोडक्ट बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है, तो प्लीज़ अगर आप लोग सोच रहे हो कि सस्ता वाला वीडियो तो नहीं, आप अभी इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हो क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट मैं बताऊँगा वो थोड़ा कॉस्टली है। और तो अब आगे कमेंट सेक्शन में कोई नहीं बोलेगा कि बहुत महंगा है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी वेट लॉस सीक्रेट है और सेलिब्रिटीज जितने भी हॉलीवुड एक्टर होते हैं या बॉलीवुड एक्टर होते हैं वो महंगे प्रोडक्ट ही यूज करते हैं और ये आज उन्हीं का सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ थ्रू HCG डाइट। तो ये HCG डाइट क्या होती है? इट्स अ हार्मोन थेरेपी, ह्यूमन कोरियोटिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है ये उसके थ्रू फैट को कंट्रोल कर देता है। ये आपकी बॉडी को फैट को जो एक्स्ट्रा फैट है तो उसको खत्म कर देता है और ये बॉडी के फैट को रेगुलेट कर देता है। तो ये कैसे वर्क करता है मैं वो भी बताऊंगा और आप बहुत सारे लोग हैं जो डाइटिंग करते हैं फिर भी वेट कम नहीं होता, तो मैं उनको भी बताऊंगा कि कैसे कम नहीं होता है। तो जैसे हम जब डाइटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम लोग बहुत कम खाते हैं, एक रोटी खा रहे हैं, आधी रोटी खा रहे हैं, दो रोटी खा रहे हैं, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दो कि अगर आप डाइट करो तो आपको वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मैंने अगर आपको अभी पानी का ग्लास दिया कि आपको पानी पीना है तब क्या करेंगे? पानी पी लेंगे, डिपेंड करता है कितनी प्यास लगी है। बट अगर मैं आपको यह बोलूं कि यह पानी आपको एक हफ्ते चलाना है तो आप क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा पियोगे, राइट? सेम आप जब डाइटिंग करते हो तो आपकी बॉडी को ये नहीं पता है कि आप डाइटिंग क्यों कर रहे हो, उनको लगता है कि खाना नहीं आने वाला है, पेट को लगता है खाना नहीं आएगा, तो वो जो एनर्जी होती है, जो फैट हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसको कंजर्व करने लगता है, सेव करने लगता है, बचाने लगता है। तो अभी हो क्या रहा है कि आप जब डाइटिंग करते हो तो आपको चक्कर आने लगते हैं, आपके पास एनर्जी बहुत है, जो फैट है वो बहुत एनर्जी, बट वो क्या होता है, आपकी बॉडी उसको कंजर्व कर रही होती है, बचा रही होती है एनर्जी को, यूज़ कम कर रही होती है। तो अभी क्या होगा कि जब आप कोई भी डाइटिंग करते हो, आपने आधी रोटी खाई, दो रोटी खाई, कुछ भी खाया, आपके पास एनर्जी बहुत है बट बॉडी उसको बचा रही है, तो आपको चक्कर आने लगेंगे, तो आप सोचते हो यार नहीं कम कर हो पा रहा है। बट अगर आप अपने पेट को उल्लू बनाओ, अपने बॉडी को उल्लू बना दें, तो आपका फटाफट वेट लॉस हो जाएगा, फटाफट वेट खत्म हो जाएगा। और सारे बॉलीवुड एक्टर्स और जो हॉलीवुड एक्टर होते हैं वो यही करते हैं, वो फॉलो करते हैं HCG डाइट। ये डाइट इट्स अ ह्यूमन कोरियोजेनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ये आपको डेली 6 यूनिट इंजेक्ट करना पड़ता है। मैं पूरा बताऊंगा कैसे इसको डाइल्यूट करना है, कैसे लगाना है। ये 40 डेज का कोर्स होता है, 40 डेज में आपको 10-15 kg ड्रामेटिकली कम हो जाता है। इसका एक कोर्स होता है 40 डेज का होता है, उसके बाद आपको थोड़ा गैप देना पड़ता है, कम से कम 1.5 महीने का, 3-4 वीक्स एटलीस्ट गैप देना है। उसके बाद आपको वापस चाहो तो और कम, अगर आप चाहिए कि बहुत ज़्यादा कम करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं भी आपको बताऊँगा कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, आपको बताया कि ये चीज़ वर्क कैसे करती है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ वर्क कैसे करती है। तो इट्स अ HCG हार्मोन। बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई डाइटिंग करते हो तो आपकी बॉडी आपकी एनर्जी को बचा के रखती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब एनर्जी खाना नहीं आएगा। बट ये जो HCG हार्मोन होता है, ये मेल में भी पाया जाता है थोड़ी मात्रा में और फीमेल में भी पाया जाता है थोड़ी मात्रा में। बट इसकी मात्रा बॉडी में कब बढ़ती है? जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल में, तो स्टार्टिंग 3 मंथ्स HCG हार्मोन की लेवल बढ़ जाता है ताकि फीटस का ग्रोथ और अच्छे से हो पाए। तो उस समय अगर वो डाइटिंग भी करती है ना, तो बॉडी का फैट कम होने लगता है, बॉडी उस समय कंजर्व करना भूल जाती है, उसको लगता ही नहीं कंजर्व करना, उसको बचाना कुछ नहीं लगता है, उसको बस एनर्जी, उसको लगता है कि भैया जो भी एनर्जी है उसको ख़त्म करना है, तो फैट को वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, वो एक्स्ट्रा फैट को जहाँ पे भी डिपॉजिट है उसको मोबिलाइज कर देती है। जो आपके साइड लॉग्स हैं या टमी में फैट डिपॉजिट है या आपके आर्म्स में फैट डिपॉजिट है, वो मोबिलाइज होना चालू हो जाता है। तो इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि आपके जो एक्स्ट्रा फैट जो भी डिपॉजिट है, जो आपका स्टबर्न फैट कहलाता है, जो आप एक्सरसाइज करो, जिम जा रहे हो बट कम नहीं हो रहा है, तो ये उस चीज़ को मोबिलाइज करके ख़त्म कर देती है। इसके साथ साथ आपको 500 किलो जो कैलोरी की डाइट है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना रहता है। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है, आप इसको फॉलो करते हो तो ये आपकी भूख को कम कर देता है, आपको भूख कम लगेगी। इसके बाद आप क्या करोगे, आप 500 किलो कैलोरी की डाइट फॉलो करते हैं, उससे आपको एनर्जी कम मिल रही होती है, अभी बॉडी में एनर्जी कम इनटेक हो रहा है और साथ ही साथ आपको भूख तो कम लगी रही, तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन हो रहा है, आपको भूख ऑटोमेटिक से कंट्रोल हो जाएगी। और साथ जब 500 किलो कैलोरी की डाइट लेंगे तो आपके एनर्जी इनटेक कम हो गया, तो अब क्या होगा कि बॉडी का जो फैट डिपॉजिट है, जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है, तो एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, उससे आपकी बॉडी का जो फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और खत्म हो जाएगा, फटाफट यूटिलाइज हो जाएगा। तो इसको करना क्या है, इसको आपको 40 डेज तक आपको लेना है, इसका डेली आपको 6 यूनिट लेना है। मैं आपको बताऊंगा, इसके साथ आपको 3 इंजेक्शन आते हैं,
जो इस तरीके से तीन इंजेक्शन होते हैं, तीन इंजेक्शन किट होती है, जो एक इंजेक्शन किट आपकी 20 डेज चलेगी, और 3 ml का डाइल्यूशन होता है इसके साथ। ये पूरे आपको ये लोग इंजेक्शन देते हैं। आपको इंसुलिन सिरिंज सब क्यूटेनियस आपको फैट की लेयर में लगाना है, पेनफुल नहीं होता है क्योंकि फैट की लेयर में लगा रहे हैं। साथ में स्प्रिट है, और इसके साथ पूरा आपको डाइट की चार्ट आता है, आपको डाइट चार्ट है कि आपको पूरा बताएगा कि आपको क्या क्या खाना है, कैसे खाना है, सब कुछ इसके अंदर आता है, क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, तो ये पूरा आपको सब कुछ आ रहा है। साथ ही साथ इसमें डाइल्यूशन के लिए, इसको मिक्स करने के लिए सिरिंजेस भी हैं, तो आप ये साथ में आपको सब चीज़ें मिलती हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खरीदनी है। तो मैं आपको ये बताऊंगा इसको डाइल्यूट कैसे करना है, मैं भी आपको बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करना है, इसका डाइल्यूशन कैसे करना है। तो इस तरीके से तीन इंजेक्शन आपको इसमें डाइट किट में आएंगे, सेट में आएगा। इसको आपको खोलना है, और यहाँ पे एक पाउडर आएगा, पाउडर एंड इसमें एक डिस्टिल वाटर है, आपको ये निकालना है, इसको खोलना है, और एक सिरिंज जो साथ में आ रही है उसके साथ लेके उसको फुल कर लेना है। ये आपको 3 ml लेना है, ओके, आपको 3 ml इसको डिस्टिल वाटर लेना है। एक चीज याद रखिए कि जब तक आप इसको डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं, बट आफ्टर डाइल्यूशन आपको इसको फ्रिज में रखना है। एक बार डाइल्यूट करने के बाद ही आपकी इसकी पोटेंसी 21 डेज से चलती है, आप खराब नहीं होता है। इसको आपको 3 ml लेना है, तो मैंने 3 ml इसका ले लिया है डोज। ये इस तरीके से आएगा, और आपको इसको डाइल्यूट करना है। आपको पहले 1 ml मिक्स करना है, सिरिंज के अंदर डालिएगा, और 1 ml डाल के रोक दीजिएगा, इसको आप थोड़ा मिक्स करिएगा। और मिक्स करने के बाद आपको वापस से 2 ml और डालना है इसके अंदर, इस तरीके से 3 ml बन जाएगा। इसको प्रॉपरली मिक्स करके फ्रिज में रखना है। आपको 6 units, ये साथ में जो सिरिंज आ रही है इंसुलिन की सिरिंज है, इसकी आपको 6 units लेना है। इसमें मार्किंग दी हुई है 5 and उसके नीचे एक और पॉइंट लेंगे तो 6 हो जाएगा, ओके। तो आपको 6 units डेली आपके आप इसको इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी लगा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सबक्यूटेनियस, लाइक आपको जो फैट लेयर है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, या आप थाइस में लगा सकते हैं, या आप आर्म्स में बेगर फैट लेयर तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, वहाँ पे ग्रेजुअली धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आपको मॉर्निंग में लगाना है, याद रखिएगा ये HCG डाइट आपको डेली मॉर्निंग में इंजेक्शन लगाना है, दिन भर आपको आपको फर्स्ट 2 days के बाद आपको 3rd-4 days में आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा, और इनिशियली आपको 15 दिन में ही 4 से 5 kilo धड़धड़ कम हो जाएगा। उसके बाद माइट भी थोड़ा स्लो हो जाए, बट स्टार्टिंग में आपका ये धड़धड़ कम हो जाएगा। और 40 days की इसका कोर्स है, 40 days के बाद बॉडी इसके लिए इम्यूनाइज हो जाती है, फिर उसका असर खत्म हो जाता है, आपको भूख लगने लगती है वापस, तो आप उसमें गैप दे दो, आप 1 से 1.5 महीने का गैप दे सकते हो। और आपको मैं 6 units लेना है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इस तरीके से डाल के और 6 units कैलकुलेट करके लेना है आपको। ये मैंने 6 units निकाला है, आप देखिएगा इसमें 6 units लेना है आपको, और 6 units लेने के बाद इसमें स्प्रिट का स्वैब है, आपको स्प्रिट स्वैब लेके एरिया को क्लीन करना है। मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी। इसके साथ जो स्प्रिट स्वैब आ रहा है आपको उसको लेना है, उसको निकालना है और एरिया को क्लीन करना है। ये आपको मॉर्निंग में लेना है डेली, आप खुद भी इंजेक्ट करा सकते हो, या किसी नर्स या किसी को भी आप बोल के इंजेक्ट करा सकते हो। मैं जस्ट एक सैंपल दिखा रहा हूँ, आपको एरिया को क्लीन करना है, ओके। ये आपको सबक्यूटेनियस लेयर में, यानी आपको टमी में लगाना है, या आप थाइस में ले सकते हो, या आपको अगर आर्म्स में खूब फैट है तो वहाँ पे भी लगा सकते हो। तो आपको जस्ट क्लीन करना है, हाथ में नहीं, मैं आपको जस्ट एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि आपको क्लीन करना है एरिया को, और इसको लेके इंजेक्ट करना है सबक्यूटेनियस, लाइक इंसुलिन सिरिंज से जो इंसुलिन की इंजेक्शन लिए जाते हैं सेम उसी की तरह से आपको फैट कर लेयर को पिंच करना है और ऐसे इंजेक्ट कर लेना है। ये पेनफुल नहीं होता है बिकॉज ये बहुत 31 gauge की सिरिंज है, छोटी सी सिरिंज है, और फैट लेयर में नर्व नहीं होती है तो आपको पेन नहीं करेगा। तो आपको इसको डेली मॉर्निंग में लगाना है। याद रखिएगा
ये इसके साथ साथ आपको 500 किलो कैलोरी की डाइट फॉलो करनी है जो उस किताब में पूरी दी हुई है। आपको भूख नहीं लगती है जब आप ये लेते हो, आपकी भूख मर जाती है, और साथ में जो उसमें दिया है वो आप उसको आपको फॉलो करना है और फटाफट आपका वेट कम होना चालू रहता है। और साथ ही साथ में अगर आप जिम जाएंगे या कुछ करते हैं तो और अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आप अगर आपको बहुत ज़्यादा मल्टी विटामिन की कमी हो रही है तो आप मल्टी विटामिन साथ में ले सकते हैं, साथ में कैल्शियम ले सकते हैं ताकि आपको विटामिन की कमी ना हो बॉडी के अंदर, क्योंकि 500 किलो डाइट उसकी कैलोरी की डाइट ले रहे हैं तो वो थोड़ा कम हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है, 40 डेज से यूज़ करके आपको गैप देना है, बिकॉज बॉडी उसमें बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है, इसका उसके बाद इसका असर नहीं होगा। अगर ज़्यादा भी लगाएंगे तो फिर असर नहीं करेगा, कम नहीं होगा, तो आपको थोड़ा गैप देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर माइक भी आपको थोड़ा सा हेडेक हो सकता है स्टार्टिंग में तो वो नॉर्मल है, ऐसा हो सकता है बिकॉज आप कम किलो कैलोरी की डाइट ले रहे होते हैं, उसके कारण आपको हो सकता है। बट इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं बिकॉज आप 40 डेज तक लेने के बाद बंद कर देते हो। और ये सारे सेलिब्रिटीज सब लोग लेते हैं, आपने देखा होगा कि कोई बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो शूट करना है उन्हें तो फट से वेट बढ़ा लेंगे, और जब शूट खत्म हो जाएगा तो फट से वेट कम हो जाएगा उनका। तो किस तरीके से होता है, वो इसी तरीके से होता है, वो यही चीज़ फॉलो करते हैं और धर से वेट बढ़ा लेते हैं, धर से वेट कम कर लेते हैं, अपने बॉडी के साथ खेल लेते हैं। तो ये टोटली सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये आपके हाँ ये आपके जो जिन लोगों को जनरली ये हार्मोन कहाँ यूज़ किया जाता है, ये उनके लिए यूज़ किया जाता है जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है या उनकी जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, या मेल्स में कोई मेल हो या फीमेल हो दोनों में वर्क यूज़ करते हैं इसको। अगर मेल है तो अगर उनमें स्पर्म नहीं बन रहे होते हैं तो उसमें स्पर्म काउंट बढ़ा देता है ये इंजेक्शन। फीमेल्स में अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उसमें ये प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ा देता है, प्रेगनेंट होने में ईजिली कर देता है। तो अगर किसी को ऐसा इशू है तो उसमें भी उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है ये। बट ये मैं आपको उसके लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं आपको वेट लॉस के लिए बता रहा हूँ। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी में कहीं दिक्कत आए, ये आपके और तो मैं एक बार आपको फिर से इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। इसको आपको डेली 6 यूनिट मॉर्निंग में सब कंटिन्यूसली आपको लगाना है, अलग अलग जगह पे लगाना है डेली, एक ही जगह पे ना इंजेक्ट करें, आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में इंजेक्ट करें। आपको 40 डेज तक लगातार इसको यूज़ करना है। फीमेल्स में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली, तो आप इसको अवॉइड करें, 5 दिन बाद से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, किट अभी लेना स्टार्ट करो और आपको लगता है कि 3-4 दिन बाद आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है तो तब स्टार्ट मत करें। आफ्टर 5 डेज आप इसको लेना स्टार्ट करें। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन भी आप इसको स्टॉप कर दीजिए। अगर आप लगातार लगा भी रहे हो तो फिर डाइट में थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए इनटेक, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसके साथ स्ट्रिक्ट 500 किलो कैलोरी की डाइट लेना है, आपकी भूख कम हो जाएगी तो आपका फटाफट फैट लॉस हो जाएगा, फैट फटाफट खत्म हो जाएगा। और बाकी मिलेगी कहाँ, हाँ इसकी प्राइस है 25,000 रुपीज़ की किट आती है, पूरा कंप्लीट 40 डेज का डोज होता है, इसमें आपको 10 से 15 किलो कम हो जाता है इन 40 डेज। आपको स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन में आपको 5 से 6 किलो फटाफट कम हो जाएगा। ये आपको बेसिकली फैट को ख़त्म करता है तो फैट लॉस फटाफट आपको दिखने लगेगा। और आफ्टर 40 डेज आपको उसको स्टॉप करना है, ऐसा नहीं कि आपको और कम करना और कम करना, तो रेगुलर लेते रहे, आपकी बॉडी इसके लिए एक्युमुलेट हो जाएगी तो उसका असर नहीं दिखेगा। आफ्टर 40 डेज आपको थोड़ा गैप करना है 10-15 दिन का, और या 3-4 वीक्स एटलीस्ट गैप करके फिर आप वापस ले सकते हो। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, आपको मिलेगा www.lescomic.com पे, वहाँ पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसकी प्राइस है 25,000 MRP जो कि कंप्लीट डाइट कॉस्ट है। तो वेट क्या कर रहे हो यार, फटाफट जाओ lescomic.com पे और जाके ये HCG डाइट किट ले लो, और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको कितना प्रॉफिट और बेनिफिट इससे हुआ। और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, कोई भी डाउट हो मैं आपको वहाँ पे क्लियर आउट करूँगा। और हाँ, अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपके बॉडी में वाइटामिन कम हो रहे हैं तो मल्टी वाइटामिन की टैबलेट साथ में कैल्शियम चाहो तो ले सकते हैं। इसके साथ जो डाइट किट इसमें दिया है वो आपको रेगुलर फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली आप उसको फॉलो करना है, और प्लीज़ अपने इस चीज़ को सिंसियरली फॉलो कीजिएगा ताकि फटाफट रिजल्ट आए, ये आपका एक्स्ट्रा फैट को खत्म कर देगा। तो हैप्पी HCG डाइट, ये टोटली डिफरेंट हटके प्रोडक्ट है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में वेट लॉस खाता है, ये हार्मोनल थेरेपी है, इसको हम कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी, ये बॉडी में हार्मोन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपके बाकी चीज़ों को भी अच्छा कर देगा। तो चलो, बाय, स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता।